हेलो सुपरस्टार बच्चों, वेलकम टू एनी टाइम एनीवेयर एकेडमी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल्स होंगे वो होंगे हेनरीज फोयल के, ठीक है। इससे पहले जो हमने वीडियो में पढ़ा था वो टाइलर्स के थे, ये हैं हेनरीज फोयल के, ठीक है। ये जो हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है, किसके होंगे ये? हेनरीज फोयल के, ठीक है। अब हेनरीज फोयल के बारे में एक बहुत अच्छी बात समझ लो, सुन लो जी, जो कि है कि ये जो हैं ऑल्सो नोन एज, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ क्या कहलाएंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट? नहीं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? टाइलर हैं, ठीक है, एफ डब्ल्यू टाइलर। और ये जो है वो है फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट, ठीक है। तो इनके टोटल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। कितने हैं? 14 प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, एक बात और समझ लो कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो टोटली फोकस करेंगे कि आखिर मैनेजर को कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो किन प्रिंसिपल पर चलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल होंगे 14 प्रिंसिपल, वो एक तो इंडस्ट्री को मैनेजमेंट में हेल्प तो करेंगे, बट फोकस जो रहेगा वो मैनेजर पर रहेगा कि आखिर एक मैनेजर को किस तरीके किन प्रिंसिपल्स पर काम करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ कि दीज आर द प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजर, ठीक है, मैनेजर, ठीक है, समझ में। अब हम लोग इसके 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो देख लेते हैं एक बार। ओके, तो ये सर हट गया, कोई बात नहीं। फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्या मतलब 14 पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स हैं जो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में करूँ, अगर नहीं हो पाते तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रीमनरेशन, द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, बेसिकली इसको हम सही से पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन को अभी अच्छे से, और लाइन ऑफ अथॉरिटी, और इसको बोलते हैं हम स्केलर चेन, ठीक है, समझेंगे इसको, सबको समझेंगे, ठीक है। ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सोनल, इनिशिएटिव एंड टीम स्पिरिट, ठीक है। ये जो है वो है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ठीक है। चलो, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपना डिवीजन ऑफ वर्क और अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो, समझ लो पहली बात कि डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में। तो डिवीजन ऑफ वर्क एक ऐसा प्रिंसिपल जो बताता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि वर्क के टुकड़े कर देने चाहिए, डिवीजन कर देने चाहिए, ठीक है। तो कैसे करने चाहिए? अलॉटिंग वर्क, अलॉटिंग मतलब देना वर्क को टू स्पेशलाइज्ड वर्कर, ठीक है, जो भी स्पेशलाइज्ड वर्कर हैं उनको हमें काम देना चाहिए, सिंपल सी बात है, और उसको डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। तो वर्क जो होगा अपने आप ही कैसा हो जाएगा बताओ, वर्क जो होगा वो अपने आप कैसे हो जाएगा? अगर हम लोग जो वर्क को डिवाइड करें और उसको अलॉट कर दें स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को, तो जो वर्क क्या हो जाएगा, बेसिकली सिंपल सी बात है, प्रोफिशिएंट मतलब प्रॉफिटेबल, ठीक है। प्रोडक्शन क्या होगा? हाई रहेगा, है ना, क्योंकि वो उसको जो काम को कर रहे होंगे वो कौन कर रहे होंगे? स्पेशलाइज्ड वर्कर कर रहे होंगे, ठीक है। क्वालिटी क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी, मतलब कि इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो दीज आर दी सम फैक्टर्स जिसको ध्यान में रखते हुए ये सब करा गया, मतलब स्पेशलाइज्ड वर्कर को वर्क को टुकड़ों में बांटकर अलॉट कर दो, ठीक है, समझ में। तो कुछ इस तरीके से समझ गया, मतलब डिवीजन्स बना दिए कुछ 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 ऐसा समझो कि ये एक डिवीजन है जो एक काम को कर रहे होंगे, उसको जो संभालने वाला होगा बंदा वो ये बंदा है, ठीक है। ये हमारे कुछ डिवीजन ऑफ वर्क है, मतलब इस इन ग्रुप को हमने कुछ एक वर्क दे दिया, ठीक है, करने को, और इसको संभालने वाला ये है, ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ वर्क, ग्रुप डिवीजन है, ठीक है, जो कि कुछ काम कर रहा होगा और उसको ध्यान में रखने वाला ये बंदा रहेगा, ठीक है। और ये जो है ये तीनों ये कंट्रोल में रहेंगे इसके, तो कुछ इस तरीके की डिवीजन रहे करेगा, ठीक है, समझ में आया कहानी। डिवीजन का मतलब कि हम लोग वर्क को अलॉट कर दें टू स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, ताकि हमारा जो काम है वो कैसा हो जाए, प्रॉफिटेबल, प्रोडक्शन हाई रहे, और साथ साथ
क्वालिटी भी इम्प्रूव रहे। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ टायलर के प्रिंसिपल्स में, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि अथॉरिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। अथॉरिटी हमें पता है कि राइट टू एक्ट, डिसाइड एंड कमांड। समझ में आया? सिंपल सा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अथॉरिटी, ठीक है, एक्ट मतलब कुछ करने का, डिसाइड करने का या कमांड देने का अधिकार, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी हमें देनी चाहिए, जाहिर सी बात है, ठीक है। मैनेजर को कुछ ना कुछ और मतलब पावर्स देनी चाहिए एम्प्लॉय को, ठीक है। जब कभी भी कोई भी मैनेजर कोई काम दे रहा है, ठीक है, नीचे वाले पर्सन को, ऐसा समझो जैसे कि इस पर्सन ने, ठीक है, इनको काम दिया, इन तीनों बंदों को, ठीक है, कि तुम इस वाले प्रोडक्शन वाले इसको संभालोगे, तुम सेल्स डिपार्टमेंट को संभालोगे, तुम एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को संभालोगे, ठीक है। तो इस बंदे को, ये रेड वाला जो है, इसको इन नीले वाले बंदों को कुछ ना कुछ अथॉरिटी तो देनी पड़ेगी ना, ताकि ये इन सबको कंट्रोल कर सके, है ना, बिना इसकी इजाज़त के। मतलब इसने बोल दिया कि तुम्हारे पास पूरी इजाज़त है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर प्रोडक्शन वाले का है तो इसके पास अधिकार होगा कि ये हर चीज़ पर कंट्रोल कर सके। अगर उसको कंट्रोलेबल नहीं होगा तो वो बार बार कहाँ जाएगा, इस रेड वाले पर्सन के पास जाएगा कि सर मैं ये कर दूँ, ठीक है, इसने बोला ठीक है, फिर ये वापस जाएगा, फिर इनको बताएगा, फिर बाद में कोई काम फंसा, फिर बोलेगा कि सर मैं उसके पास जाएगा, फिर दोबारा से रेड वाले के पास, मतलब बड़े साहब के पास अपने, तो उससे पूछेगा कि सर मैं ये कर दूँ, तो वो कहेगा ठीक है अब कर दो। तो मतलब बार बार इसमें क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी पैदा होगी, ठीक है, और वर्क टाइम पर नहीं हो पाएगा, समझ पा रहे हो। तो इसलिए अथॉरिटी देना बहुत ज़रूरी है अगर कोई मैनेजर किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर को अपने काम देता है, ठीक है, तो अथॉरिटी देना भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं एक दो ग्राफ से समझाऊंगा बहुत अच्छे से कि किसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बहुत सिंपल सा है, ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट फॉर परफॉर्मिंग एनी जॉब अलॉटिंग टू हिम बाय सुपरवाइज़र। मतलब बेसिकली जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट मतलब जो भी वर्कर्स हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझ, जिम्मेदारी बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे समझते हो कि जिम्मेदारी, सिंपल सा, ठीक है। जो भी सुपरवाइज़र ने काम दिया है वो जिम्मेदारी से उसको कंप्लीट करे, ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब एक इससे समझ में आएगा कि देखो डिवीजन ऑफ वर्क समझ में आ रहा है यहाँ से, डिवीजन ऑफ वर्क भी और ये अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में आती है हमें। तो डिवीजन ऑफ वर्क सबसे मेन हेड ये है, फिर उसने डिवाइड कर दिया वर्क को, ठीक है, इन तीन लोगों में, फिर इसने कर दिया, ये आ गए और ज़्यादा डिविजन्स हो गए, फिर इन्होंने डिवाइड कर लिया, अपनी अपनी टीम्स बना ली, फिर उससे काम करवा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये देखो अथॉरिटी जो होती है वो नीचे की तरफ क्या होती है, बढ़ती जाती है, और ऊपर की तरफ इधर से रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो इनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, समझ पा रहे हो, सिंपल सा। तो ये अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक प्रॉपर बैलेंस होना ही चाहिए, ठीक है, तब जाके काम बन पाएगा। वरना देखो, अगर इस बंदे को अगर कुछ भी काम करवाना है इन तीनों से, तो ये हमेशा का जाएगा इसके पास जाएगा, है ना, कुछ भी पूछने के लिए, कोई भी कमांड देने के लिए या कुछ भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अब लेकिन इसके पास भी अथॉरिटी नहीं है, तो ये क्या जाएगा, फिर अपने और बड़े साहब के पास जाएगा, फिर ये डिसाइड करेगा कि हाँ ठीक है ये अप्रूव करा मैंने, फिर बाद में ये वापस, ये जो कमांड है वो वापस इधर आएगा, फिर बाद में इधर आएगा, ठीक है, इनके पास, तब जाके ये इस काम को करवा पाएगा इधर। तो ये देख लो कितना वक्त लग गया इस चीज़ में, क्यों, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी उस चीज़ की, है ना, उसको इजाज़त नहीं थी कि वो अपना डिसीजन ले सके। समझ में आया? अब तो समझ में आ रहा होगा क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोनों प्रिंसिपल समझ में आ गए हमारे, ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा डिसिप्लिन, ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड। तो डिसिप्लिन से समझ में आ रहा है सिंपल सा, कि हमें फॉलो करना चाहिए, ओबो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए रूल्स और रेगुलेशंस को, ठीक है, और हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए एग्रीमेंट को, ठीक है। एग्रीमेंट बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, जब कभी भी हम लोग किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हमेशा क्या रहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आपको इतने वक्त तक काम करना है, इतनी सैलरी मिलेगी वगैरह वगैरह, जो भी रहता है उसमें पूरा लिखा हुआ होता है पूरा का सिस्टम, ठीक है, या जो भी रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं कि इतना वक्त है, इतना टाइम पे आपको आना होगा वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। रेस्पेक्ट इन दी सेंस, जैसे कभी कभार मैनेजर जो होते हैं वो मुकर जाते हैं उस एग्रीमेंट से, कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ करा नहीं था, आपको इतनी ही सैलरी मिलेगी क्योंकि आपने इतना काम करा है इतने वक्त में, मतलब कम सैलरी देने वाला सीन हो जाता है, तो वो एग्रीमेंट को रेस्पेक्ट नहीं देते, ठीक है, जो भी हुआ उसको इज्जत नहीं देते, ठीक है, और उसको रफे दफे करते हैं, मतलब नज़रअंदाज करते हैं और कहते हैं कि नहीं आपको इतना ही मिलेगा क्योंकि आपने इतना काम किया, ठीक है, एग्रीमेंट को भूल जाते हैं बिल्कुल, तो उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मतलब बेसिकली डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए
तभी वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में एक हारमनी क्रिएट होगी, ठीक है। ओके, इसको ऐसे समझ सकते हो, मतलब रूल्स और रेगुलेशंस को ओबे करना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट को एकदम परफेक्टली फॉलो करना चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन बॉस ओनली, ठीक है। मतलब एक ही बॉस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही बंदे पर दो दो बॉस हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक पर्सन है तो उसको एक ही पर्सन से कमांड और ऑर्डर मिलने चाहिए बेसिकली, मतलब एक ही बॉस होना चाहिए। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, अगर आपने ये मूवी देखी है बीबी बॉस, ठीक है, मतलब एक ही बॉस होना चाहिए बस, और कोई बॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में। या फिर ऐसा समझ लो कि उससे ऊपर वाला बंदा जो होगा, वर्कर से ऊपर वाला जो बंदा होगा तो वो एक ही होना चाहिए, ठीक है, जो उसको कमांड दे सके, ठीक है, तुम्हें ये करना है। अगर ऐसा नहीं होगा, सपोज़ करो अगर एक बंदे के पास दो दो हैं लोग कि तुम्हें ये करना है, और दूसरा बंदा कह रहा है तुम्हें ये करना है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, डिले क्रिएट होगा, और मिस्टेक्स भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि एक बंदा कुछ और बोलेगा, दूसरा बंदा कुछ और बोलेगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर एक ही बॉस है, ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आराम से अवॉइड की जा सकती हैं, सिंपल सी बात है ना। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे एक एक बॉस हमारा ये है, बॉस वन, और ये बॉस टू है, तो वो तो बेचारा बीच में पिस जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, अगले प्रिंसिपल्स की तरफ। ओके, सो फिफ्थ जो प्रिंसिपल है वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। यूनिटी मतलब वन, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन होना चाहिए पूरा का पूरा। डिपार्टमेंट मतलब जो जो सेक्शन बने हुए हैं, डिवीजन ऑफ वर्क हुआ है, वो सारे के सारे जो वर्क्स हैं वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन पर ही काम करने चाहिए, ठीक है, कोई इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। इस ये कैसे हो सकता है, ये इसी तरीके से हो सकता है कि एक ही हेड हो किसी भी डिवीजन ऑफ वर्क में, ठीक है, कमांड देने के लिए, जो अभी हमने पिछले प्रिंसिपल में बात करी थी, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, एक ही बंदे से सारे कमांड मिलने चाहिए, ठीक है, मतलब डाइवर्जन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, सिंपल सा। तो देयर शुड बी वन प्लान, वन हेड फॉर ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, सिंपल सी बात है, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में सारा काम होना ही चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर है तो वो अपने परसेंटेज जो भी रेट ले रहा है, मतलब उस पर जो भी लगने चाहिए, जिस भी रिलेटेड से, मतलब परसेंटेज की बात करूँ मैं, अगर कहीं पर ही परसेंटेज की बात हो रही है सेल्स में, तो वो सेल्स मैनेजर ही उसको हैंडल करे, ठीक है। अगर प्रोडक्शन यूनिट की बात है तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है वही उस रेट को हैंडल करना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो उसी को ही हैंडल करना है, तभी वो एक डायरेक्शन में चलेंगे, एक दोनों एक साथ ही करेंगे, ठीक है। अगर जैसे प्रोडक्शन वाला आके बोलता है सेल्स वाले के लिए कि तुम्हें ये करना है, जैसे अभी रुको एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके तब आपको समझाता हूँ, ये एक डायरेक्शन में कैसे बिगड़ जाएंगे, एक डायरेक्शन में नहीं रहेंगे ये, ठीक है। देखो, अगर प्रोडक्शन वाला बंदा आके ये कहता है कि इस परसेंटेज को 10 नहीं 12 होना चाहिए, तो ये डायरेक्शन गया इधर, समझे। सेल्स वाला आके बोलता है कि ये जो रेट ऑफ परसेंटेज रेट है वो इस मतलब इतना नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो वो डायरेक्शन देखो डाइवर्ट हो गए दोनों, समझ रहे हो। तो एक डायरेक्शन में ही चलना है, और वो कैसे हो सकता है कि सब अपना अपना काम करें, ठीक है, कोई किसी से ताल्लुक ना रखे, सिंपल सी बात है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलते रहें।